जहां एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक से जुड़ी फाइनल मुकाबले के लिए विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दी गई है विनेश फोगाट। 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्हें फाइनल खेलना था और 50 ग्राम वजन अतिरिक्त निकला है उनका। कुश्ती का फाइनल मुकाबला अब विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी। ये बड़ी और दुखद खबर, जहां पर विनेश फोगाट, जिन पर पूरे भारत की नजरें टिकी हुई थी, गोल्ड के लिए वो खेलने वाली थी, और इस बीच ये दुखद खबर पेरिस ओलंपिक से, जहां पर बीते दिन आपने देखा जब वो मैच जीती थी उसके बाद इमोशनल भी हो गई थी, रोने लगी थी, और उसके बाद इस बीच ये बड़ी खबर जहां पर फाइनल मुकाबले के लिए विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ओवरवेट होने के चलते विनेश फोगाट को यहां पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्हें फाइनल खेलना था और 50 ग्राम वजन अतिरिक्त निकला है, और इसी के चलते विनेश फोगाट को यहां पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बेहद दुखद खबर भारत के लिए, क्योंकि लगातार भारत जो है विनेश फोगाट पर टकटकी लगाए हुए था, और जिस तरीके से विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक तक का सफर रहा है, आंसुओं से भरा, पीड़ा से भरा रहा है, भारत में जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उसके बाद यहां पर ये बड़ी खबर। भारत की जो है टकटकी विनेश फोगाट पर लगी हुई थी। पहला गोल्ड जिसके लिए विनेश फोगाट जो है यहां पर मैच लड़ती हुई नजर आती, लेकिन अब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बेहद दुखद खबर ये भारत के लिए।